हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द PNS, दैट इज़ द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम? इट इज़ एब्रीविएटेड एज अ PNS एंड इट कनेक्ट्स द CNS, दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द रिसेप्टर्स एंड द इफेक्टर। डियर स्टूडेंट, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से कनेक्ट करता है, क्योंकि इसके पास रिसेप्टर है और इफेक्टर है। डियर स्टूडेंट्स, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का यही सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और अब आप थोड़ा गेस कीजिए कि जब कोई सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी ऐसे नर्वस सिस्टम को जिसके पास ब्रेन है, जिसके पास स्पाइनल कॉर्ड है, उसको पूरे बॉडी से कैसे कनेक्ट कर रहा होगा, इसके पास क्या होगा जिसके कारण ये पूरे बॉडी को कनेक्ट कर पा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी की डिटेल देखते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स गो अहेड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ द नर्व्स, एंड दैट नर्व्स आर क्रैनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स। दो टाइप की नर्व्स है डियर स्टूडेंट्स इसके पास। एक नर्व है क्रैनियल नर्व्स और दूसरी जो नर्व्स है वो है स्पाइनल नर्व्स। तो क्रैनियल नर्व्स, डियर स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ। क्रैनियल नर्व्स ऐसी नर्व्स है जो ब्रेन से निकलती है और ब्रेन पर ही एंड होती है, यानी ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स और जो नर्व्स का कनेक्शन डायरेक्ट ब्रेन से है, ऐसी नर्व्स को क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। जबकि स्पाइनल नर्व्स जो है ऐसी नर्व्स है जिसका जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है डायरेक्टली, और जो पूरे बॉडी से कनेक्शन रखती है स्पाइनल कॉर्ड का। और क्रैनियल नर्व्स किसका रखती है? पूरे बॉडी का कनेक्शन रखती है ब्रेन से। तो क्रैनियल नर्व्स सी से जो स्टार्ट हो रही है, समझ जाइए आप, वो ब्रेन से जुड़ी हुई नर्व्स है, क्रैनियल नर्व्स उसका नाम है। और जो दूसरी नर्व है स्पाइनल नर्व, वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई है। और इसका मेन फंक्शन क्या क्या है वो हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट, पहले क्रैनियल नर्व्स की डिटेल देख लेते हैं। क्रैनियल नर्व्स में सबसे पहला पॉइंट अगर आपको बताऊं तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि इट डेवलप्स फ्रॉम द ब्रेन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्रैनियल नर्व्स ब्रेन से जुड़ी हुई नर्व्स को बोलते हैं, इट डेवलप्स फ्रॉम द ब्रेन। स्पाइनल नर्व्स का पहला पॉइंट अगर देखें तो इट डेवलप्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, पॉइंट पहले ही मैंने आपको बता दिया। डियर स्टूडेंट्स, के बाद आगे बढ़ते हैं। देर आर 12 पेयर्स ऑफ द क्रैनियल नर्व्स डैट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स। देर आर 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स डैट अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती है वो 31 पेयर है, और ब्रेन से जो क्रैनियल नर्व्स निकलती है उसकी 12 यानी 12 पेयर्स है। ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दीज नर्व्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम और टर्मिनेट इन टू द ब्रेन्स। ये ब्रेन से ही ओरिजिनेट होती है और ब्रेन पर ही टर्मिनेट होती है, ये पॉइंट आप याद रखिए, क्योंकि ये क्रैनियल नर्व्स है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो नर्व्स है स्पाइनल नर्व्स, दे प्रोवाइड अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड्स एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने वाला टू वे जो पाथवे है वो स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल नर्व्स के पास है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पर देखा स्पाइनल नर्व्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिए। 12 पेयर्स, 31 पेयर्स। उसके बाद इनके नेचर देख लेते हैं, नेचर कैसे होते हैं क्रैनियल नर्व्स के। डियर स्टूडेंट्स, क्रैनियल नर्व्स का जो नेचर है ये या तो सेंसरी होता है, यानी सेंसेशन दिलाते हैं, एहसास दिलाते हैं, जैसे आपको पेन होता है, आपको जैसे हंसी आती है, जैसे आपको टच का फीलिंग होता है, ये सब सेंसेशन है। कौन करवाता है सेंसेशन? सेंसरी नर्व। कहाँ से निकलती है? ब्रेन से निकलती है। तो सेंसेशन जो हो रहा है आपको वो सेंसरी नर्व के थ्रू होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है दूसरा नेचर होता है मोटर नर्व का। मोटर नर्व ऐसी नर्व जो मूवमेंट करवाती है, तो मूवमेंट करवाने वाली नर्व को जो है आप मोटर नर्व बोल सकते हैं। जैसे मूवमेंट हो गई, आप एक जगह बैठे थे, वहाँ से उठ के दूसरी जगह चले गए, आपका हाथ नीचे की तरफ था, आपने आपके हाथ को आई की तरफ लाया या कान की तरफ लाया, या आपने पेन पकड़ के उससे कुछ लिखना शुरू कर दिया, ये सब मूवमेंट है आपके बॉडी की मसल्स की। ये मूवमेंट कौन करवाता है? मोटर नर्व करवाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, और तीसरी टाइप जो है वो है मिक्स टाइप, यानी ऐसी नर्व जिसका दोनों टाइप का नेचर है, जो सेंसरी भी है और जो मोटर भी है, दोनों है, उसको मिक्स टाइप की नेचर बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देखा? क्रैनियल नर्व्स तीन टाइप का नेचर रख सकती है, इसमें से कोई एक नेचर होता है हर क्रैनियल नर्व्स का, या तो वो सेंसरी हो सकती है, या तो वो मोटर हो सकती है, या तो वो मिक्स्ड हो सकती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्पाइनल नर्व्स के बारे में, स्पाइनल नर्व्स के नेचर के बारे में देखते हैं। स्पाइनल नर्व्स का नेचर कैसा है? दे ऑल आर मिक्स्ड इन नेचर, सब के सब मिक्स नेचर के है, यानी इनके पास दोनों एक्टिविटी कराने की एबिलिटी होती है। कौन सी? ये सेंसेशन भी करवाते हैं और ये मूवमेंट भी करवा सकते हैं। तो ये जो है
ये याद रखने के लिए बहुत इजी हो गया आपको कि स्पाइनल नर्व्स जितनी भी है 31 पेयर है, सब की सब मिक्स नेचर की है। क्रैनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकल रही है 12 पेयर्स है, जिसमें से कुछ सेंसरी है, कुछ मोटर है और कुछ मिक्स्ड है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी क्रैनियल नर्व्स के नाम देख लेते हैं और उनके नेचर देख लेते हैं। क्रैनियल नर्व्स कौन सी है? 12 पेयर्स है जैसे कि आपको पता है, और वो 12 पेयर्स कौन सी है चलिए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, पहली पेयर जो है वो है ऑल्फैक्टरी, ओ से स्टार्ट हो रही है और इसका नेचर है सेंसरी। काम क्या है? ऑल्फैक्टरी जो नर्व है उसका काम है ऑल्फैक्शन करवाना, यानी नोज से आप जो भी काम कर रहे हैं, स्मेलिंग लेने का काम जो कर रहे हैं, ऑल्फेक्शन कर रहे हैं, वो ऑल्फैक्टरी नर्व के कंट्रोल में आता है। उसके बाद सेकंड है ओ से ही स्टार्ट हो रही है ऑप्टिक नर्व इसका, और इसका सेंसरी नेचर है, यानी जो आप जो कुछ भी आपकी आई से आँखों से आप जो भी देख रहे हैं वो ऑप्टिक नर्व करवाती है आपका। उसके बाद तीसरा जो है ऑकुलोमोटर नर्व है डियर स्टूडेंट, इसका नेचर जो है मोटर नर्व का है, इसकी डिटेल भी हम बाद में देखेंगे। उसके बाद चौथा जो है वो है पैथेटिक नर्व, उसका नेचर जो है मोटर नर्व है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन नेचर की बात करें तो पहले दो जो है सेंसरी हमने देख लिया, बाकी के दो जो है मोटर देख लिया, और उसके बाद फिफ्थ नंबर का जो है जिसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व, वो है मिक्स नर्व, और उसकी कुछ सब टाइप हैं जैसे ऑप्थेलमिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, यानी इस एरिया को ये कंट्रोल करती है क्योंकि यहाँ पर इसकी ब्रांचेज जाती है। ट्राइजेमिनल नाम की जो पाँचवें नंबर की नर्व है ये आपके मैक्सिलरी रीजन में यानी अपर जॉ में, मैंडिबुलर रीजन में यानी लोअर जॉ में, और आपके फेशियल रीजन में अक्सर इसको देखा गया है कि ये कंट्रोल करती है क्योंकि इसका नेचर भी मिक्स्ड है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप फार्मूला बनाएं तो पहले तीन वाले जो है ओ से आते हैं, फिर पी से आता है, फिर टी से आता है, तो ओ थ्री पी टी अभी तक हमने देख लिया। और नेचर अगर देखें तो एस टू एम ओ टू और एम, एम ओ मीन्स मोटर और एम मीन्स मिक्स्ड, तो आप फार्मूला बना सकते हैं एस टू एम ओ टू एम। ओके, अभी तक हमने ऐसा देखा। उसके बाद आगे की देखती है कौन सी नर्व्स हैं 6 नंबर पे और 7 नंबर पे और 8 9 10 11 12 नंबर पे कौन सी नर्व्स हैं और इनके क्या क्या फंक्शन है वो सब हम डिटेल में देख लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, 6 नंबर पे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो 6 नंबर का जो नेचर है आपको दिख रहा होगा मोटर नर्व वाला इसका नेचर है, और इसका नाम जो है डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम जो है वो है एब्डोसेंस। ओके, एब्डोसेंस है, मोटर नेचर का है, यानी अगर फार्मूला देखें तो एस टू एम ओ टू और एम वन, फिर उसके बाद एम ओ वन और एम वन फिर से यहाँ पर आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, 7 नंबर अगर देखें तो फेशियल नर्व है, फेस से आपके रिलेटेड है, मिक्स नेचर का इसका नेचर है। उसके बाद 8 नंबर पे ऑडिटरी नर्व है जो वेस्टिबुलर और कॉकलियर ब्रांचेस बनाती है, और सेंसरी इसका नेचर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, 8 नंबर पे 9 नंबर पे अगर देखें तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है, मिक्स्ड इसका नेचर है। 10 नंबर पे देखें तो वेगस नर्व है, मिक्स्ड इसका नेचर है, जो आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लास्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन को स्पेशली कंट्रोल करती है, जो मोशन होता है आपका उसको कंट्रोल करती है। उसके बाद 11 नंबर पे स्पाइनल नर्व्स आती है, और स्पाइनल एसेसरी नर्व है एक्चुअली। डियर स्टूडेंट डोंट बी कंफ्यूज, ये क्रैनियल नर्व्स है, इसका नेचर जो है मोटर नर्व है। और लास्ट वाली जो है 12 नंबर की वो हाइपोग्लोसल है, इसका नेचर भी जो है मोटर है। इस तरह से आप इसका यहाँ पर देखकर फार्मूला बना सकते हैं और 12 जो क्रैनियल नर्व्स है, 12 पेयर्स, उनके नाम भी याद रख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इस पर मेरा एक पर्टिकुलर सेपरेट लेक्चर है, इस पर कैसे इसको याद रखा जाए उसके लिए मैंने एक आपको टिप्स भी दिया हूँ, वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, पटेल साइंस एकेडमी पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल पहले ही आपको बता दिया मैं कितने हैं, 31 पेयर है, और स्पाइनल कॉर्ड से ये अराइज होती है। कौन सी है चलिए उसकी डिटेल देखते हैं। पहला कॉलम जो है वो ग्रुप का है एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, ये सेपरेट नहीं है, ये ग्रुप में है। तो ये 31 पेयर जो है वो ग्रुप में कैसी है, पहले ग्रुप के नाम देखेंगे, फिर उनके नंबर देखेंगे कितनी पेयर्स है, और उसके बाद कौन से रीजन में ये फैली हुई है और क्या क्या कंट्रोल करती है वो भी हम देख लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी है। ओके डियर स्टूडेंट, पहला जो है सर्वाइकल नर्व है, दूसरा जो है थोरेसिक नर्व है, तीसरी लंबर, चौथी सैक्रल, पांचवी कॉक्सीजियल। ओके, तो ये पांच तरह के ग्रुप है नर्व्स के, ग्रुप में ये होती है डियर स्टूडेंट्स। और ये ग्रुप कैसे है, सर्वाइकल नर्व जो आपके नेक के रीजन में है ये 8 है, C1 से C8 तक, और उसके बाद जो है थोरेसिक रीजन, ये थोरेक्स के नीचे रीजन में यानी आपके नेक के नीचे वाले रीजन में, यानी ऑलमोस्ट चेस्ट के ऊपर वाला और चेस्ट का रीजन जो है उसको थोरेसिक रीजन बोलते हैं, उसमें ये है 12 पेयर्स है, 8 प्लस 12 ये हो गए 20, 31 का अपने को देखना है।
तो उसके नीचे की जो है थोरैसिक यानी आपकी चेस्ट के रीजन के नीचे की, थोरैक्स के नीचे की रीजन जो है उसको लंबर रीजन बोलते हैं, जो आपका एब्डोमेन को कंट्रोल करता है वो है 5 यानी 20+5 25, और उसके नीचे की जो लेयर है वो पेल्विस रीजन को कंट्रोल करती है, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके कमर वाले वेस्ट वाले रीजन को कंट्रोल करती है, वो भी है 5, और इस तरह से 25+5 30 हो जाता है, और लास्ट में कॉक्सिडियल एक नर्व है तो 30+31, ये कॉक्सिक रीजन को आपके यानी वर्टेब्रल कॉलम की सबसे नीचे का जो रीजन है बोन का, उस वहाँ के रीजन को ये कंट्रोल करती है। उधर से ये पूरे वहाँ के सराउंडिंग के एरिया में जो है स्प्रेडिंग होती है, वहाँ के पार्ट को कंट्रोल करती है, तो इसको कॉक्सिडियल बोलते हैं। ये सिर्फ एक ही है, और डियर स्टूडेंट्स इस तरह से 30+1 31, इस तरह से आपके बॉडी में स्पाइनल नर्व्स है 31, ये आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करके बॉडी को कनेक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी ब्रेन से। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द टिपिकल स्पाइनल नर्व्स। एक टिपिकल स्पाइनल नर्व्स जो है उसमें क्या क्या होता है और कैसे फॉर्म होती है, उसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। ईच स्पाइनल नर्व इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूरल कैनाल्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। डियर स्टूडेंट, वर्टेब्रल कॉलम में जो न्यूरल कैनाल जो होता है वो वर्टेब्रल कॉलम में यानी बैकबोन में जो न्यूरल कैनाल होता है उसके अंदर ये फॉर्म होती है बाय द पोस्टेरियर और द टॉर्सल रूट एंड द इंटेरियर और द वेंट्रल रूट। तो डियर स्टूडेंट, मैंने स्पाइनल कॉर्ड की आपको रिफ्लेक्स एक्शन के लिए स्ट्रक्चर इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, वो स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर आप याद रखिए। उसमें डॉर्सल रूट होता है, उसमें वेंट्रल रूट होता है, डॉर्सल वेंट्रल रूट के थ्रू जो है वेंट्रल कैनाल में न्यूरल कैनाल में वर्टेब्रल कॉलम में जो है ये फॉर्म होती है। और डियर स्टूडेंट, डॉर्सल रूट रिसीव द सेंसरी नर्व्स फ्रॉम द डॉर्सल रूट गैंग्लियन। डॉर्सल रूट में जो सेंसेशन आता है सेंसरी नर्व एंटर करती है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन से यानी आपके बॉडी के डॉर्सल साइड से यानी बैक साइड से आपके बॉडी का पूरा कनेक्शन जो है सेंसरी नर्व का रिसीव करती है, सेंसेशन रिसीव करती है। और गैंग्लियन क्या होता है डियर स्टूडेंट, गैंग्लियन होता है ये न्यूरॉन का जो ब्रेन सेल है उसका एक ग्रुप होता है जिसको गैंग्लियन बोलते हैं, तो वहाँ से ये जो है सेंसेशन कंट्रोल करती है। ओके डियर स्टूडेंट, डॉर्सल साइड से। और वेंट्रल रूट कहाँ से, जाहिर सी बात है डॉर्सल, अगर डॉर्सल साइड का कंट्रोल कर रहा है तो वेंट्रल रूट जो है इट गिव्स द मोटर नर्व्स, वेंट्रल रूट में से मोटर नर्व आती है और डियर स्टूडेंट्स वो क्या करती है आपके बॉडी के वेंट्रल साइड को ही कंट्रोल करेगी। द डॉर्सल सेंसरी एंड वेंट्रल मोटर नर्व्स टुगेदर मिक्स फॉर्म द मिक्स्ड स्पाइनल नर्व्स। तो डियर स्टूडेंट, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर डॉर्सल रूट की आई हुई सेंसरी नर्व और वेंट्रल रूट की आई हुई मोटर नर्व ये दोनों एक दूसरे से मिक्स्ड हो जाती है, तो वहाँ पर ये दोनों का नेचर मिक्स्ड हो जाता है, इसीलिए स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं वो मिक्स नेचर के होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, स्पाइनल नर्व्स इमर्जेस आउट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम थ्रू द इंटर वर्टेब्रल फोरामेन एंड फ्रॉम 3 ब्रांचेस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये स्पाइनल नर्व्स जो है ये रिसीव करने के बाद जब इसको मूवमेंट करवानी है तो मूवमेंट करवाने के लिए वर्टेब्रल कॉलम के से जो है ये इमर्ज करते हैं, बाहर निकलते हैं कैसे, थ्रू द इंटर वर्टेब्रल फोरामेन एंड फॉर्म द 3 ब्रांचेस। इंटर वर्टेब्रल फोरामेन के थ्रू जो है ये 3 ब्रांचेस बनाते हैं और वो 3 ब्रांचेस के थ्रू पूरे बॉडी में जो है फिर ये रिप्लाई देते हैं। तो वो 3 ब्रांचेस कौन सी है डियर स्टूडेंट देख लेते हैं। 3 ब्रांचेस ऑफ द स्पाइनल नर्व्स कौन सी है, पहले वाली आती है रेमस डॉर्सलिस, इट इनर्वेट्स द स्किन एंड मसल्स ऑफ द डॉर्सल साइड्स। ये डॉर्सल रेमस डॉर्सलिस इसका नाम है, ये आपके बॉडी के स्किन में जो है इनर्वेट हो जाती है, एंटर हो जाती है और मसल्स को वहाँ के डॉर्सल साइड के मसल्स को कंट्रोल करती है। ओके तो इसका नाम था रेमस डॉर्सलिस, डॉर्सलिस से याद रखिए, डॉर्सल साइड के स्किन के पार्ट को ये पूरा कंट्रोल करती है। उसके बाद दूसरी ब्रांच कौन सी है, रेमस वेंट्रलिस, इसको डायग्रामेटिकली भी मैं बताने वाला हूँ आपको। रेमस वेंट्रलिस द लार्जेस्ट ब्रांच एंड इनर्वेट्स द ऑर्गन्स एंड मसल्स ऑन द लेटरल एंड द वेंट्रल साइड। डियर स्टूडेंट्स, ये वेंट्रल यानी आपके फ्रंट साइड में और लेटरल यानी आपके दोनों की आजू बाजू वाली साइड जो होती है लेटरल साइड, वहाँ की मसल्स को और सामने की मसल्स में जितने भी ऑर्गन हैं, सॉरी सामने जो फ्रंट वेंट्रल साइड, फ्रंट साइड जो आपके वहाँ पे जितने भी ऑर्गन हैं वहाँ पर ये अंदर घुसी हुई होती है और वहाँ के सारे बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करती है। ओके तो ये हुआ रेमस वेंट्रलिस यानी वेंट्रल साइड में कंट्रोल करने वाली स्पाइनल नर्व की ब्रांचेस। उसके बाद रेमस डॉर्सलिस डॉर्सल साइड को कंट्रोल करने वाली। अब तीसरी क्या है, तीसरी है रेमस कम्युनिकेंस। रेमस कम्युनिकेंस द स्मॉलेस्ट ब्रांच गिवन आउट फ्रॉम द फर्स्ट थोरेसिक अप टू थर्ड लंबर स्पाइनल नर्व। फर्स्ट थोरेसिक से स्टार्ट होकर थर्ड लंबर
स्पाइनल नर्व्स तक ये होती है, सबसे स्मॉल ब्रांच है एंड इट जॉइंट्स द सिंपैथेटिक गैंग्लियन। सिंपैथेटिक गैंग्लियन को जो है ये जॉइंट करती है। तो इस तरह से ये तीन टाइप, रेमस डॉर्सलिस, रेमस वेंट्रलिस और रेमस कम्युनिकेंस स्पाइनल नर्व्स में होते हैं। अब डियर स्टूडेंट देख लेते हैं ये डायग्राम। डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर दिख रही है और स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स आर्क दिख रहा है। रिफ्लेक्स आर्क में आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट डॉर्सल साइड में सबसे ऊपर डॉर्सल रूट आपको दिख रहा होगा और उसके बाद वेंट्रल साइड में वेंट्रल रूट आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया हूँ, एच शेप की बटरफ्लाई शेप की स्ट्रक्चर होती है जिसमें ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है और उसके बाद इसका जो सेंटर होता है सेंट्रल कैनाल इसमें होता है, वेंट्रल हॉर्न डॉर्सल हॉर्न इसमें होते हैं और स्पाइनल नर्व्स देखिए कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है। डियर स्टूडेंट्स ये आपको दिख रहा होगा डॉर्सल साइड से जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है डॉर्सल रूट है और डॉर्सल रूट से मैंने पहले ही बता दिया आपको सेंसरी नर्व इंटर करती है और उसके बाद वेंट्रल रूट है, वेंट्रल रूट से मोटर नर्व जो है वो जो कनेक्टेड होती है वो वहाँ से इमर्ज आउट करती है और उसके बाद एक पार्ट ऐसा दिख रहा है आपको जहाँ पर ये दोनों नर्व यानी डॉर्सल रूट से आई हुई और वेंट्रल रूट से निकलने वाली जो नर्व है एक जगह आकर वो मिक्स्ड हो जाती है। तो वो मिक्स्ड कहाँ होती है वो हम देखते हैं, मिक्स्ड वो इस एरिया में होती है, यहाँ से सेंसरी नर्व आई है, यहाँ से मोटर नर्व एग्जिट हो रही है और ये इस एरिया में आकर वो एक दूसरे में मिक्स्ड हो जा रही है। इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड नेचर, इसीलिए स्पाइनल नर्व्स जो है वो मिक्स्ड नेचर का होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसकी तीन ब्रांचेस जो बनती है जो डॉर्सल वेंट्रल और लेटरल साइड को और सिंपैथेटिक गैंग्लियन को कंट्रोल करती है वो भी मैंने आपको अभी इसके पहले वाले स्लाइड में बताया हूँ। तो वो कौन सी है वही हम डिटेल यहाँ पर देख रहे थे। डियर स्टूडेंट्स ये एक ब्रांच निकली, ये जो ब्रांच निकली ये डॉर्सल रेमस डॉर्सलिस है जो आपके बॉडी के डॉर्सल साइड को कंट्रोल कर रही है, ये वाली वो ब्रांच है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद डॉर्सल वेंट्रलिस, ये डॉर्सल वेंट्रलिस जो आपके वेंट्रल और लेटरल बॉडी की पार्ट को कंट्रोल कर रही है ये वाली है। और उसके बाद रेमस कम्युनिकेंस, या स्टूडेंट रेमस कम्युनिकेंस ये वाला पार्ट है जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन को कंट्रोल करता है। इस तरह से स्पाइनल नर्व जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से जुड़ी हुई है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करती है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या होता है, जाहिर सी बात है आपको पता ही है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है ब्रेन, तो ब्रेन से उसको कनेक्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये पॉइंट देखा, पीएनएस कनेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम और गोइंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्व्स आर क्लासिफाइड इनटू अफ्रंट नर्व्स एंड द इफ्रंट नर्व्स। डियर स्टूडेंट्स अफ्रंट नर्व्स इट ट्रांसमिट्स, अफ्रंट नर्व्स क्या होती है वो देखते हैं, इट ट्रांसमिट द सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम द टिश्यू और ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दो तरह की नर्व इसके पास होती है डियर स्टूडेंट, एक अफ्रंट नर्व और दूसरा इफ्रंट नर्व। अफ्रंट नर्व का क्या काम है, इट ट्रांसमिट्स द सेंसरी इम्पल्स, इम्पल्स मीन्स मैसेज, सेंसरी मीन्स सेंसेशन वाला मैसेज। तो डियर स्टूडेंट अफ्रंट नर्व का क्या काम है, ये ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है कौन से मैसेज को, कौन से इम्पल्स को, जो सेंसेशन का मैसेज सेंसरी नर्व लेकर आई है, कहाँ से, फ्रॉम द टिश्यू और ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी आपके बॉडी में किसी भी पार्ट में किसी भी ऑर्गन में सेंसरी नर्व जुड़ी हुई है वो जो भी इम्पल्स यानी जो भी मैसेज लेकर आएगी वो ब्रेन तक पहुँचाने का काम कौन करती है, अफ्रंट नर्व करती है। और फिर इफ्रंट नर्व का क्या काम है डियर स्टूडेंट, इफ्रंट नर्व का काम ये है कि इट ट्रांसमिट्स द मोटर इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द टिश्यू और द बॉडी ऑर्गन। डियर स्टूडेंट्स सेंसरी नर्व ने जो मैसेज लेकर आया था कि फॉर एग्जांपल एक मैसेज लेते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि आप बाइक चला रहे थे और सामने आपके आइस के सामने आपने आपके जो है बहुत सारा डस्ट आ गया, तो वो डस्ट के कारण जो है आपको देखने में साइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके आई के पास जो सेंसरी नर्व है जिसका नाम ऑप्टिक नर्व है, सो डियर स्टूडेंट्स वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है मैसेज जाएगा, इम्पल्स जाएगा आपके ब्रेन के पास और ब्रेन जो है उस मैसेज को अफ्रंट नर्व्स के थ्रू जो है रिसीव करेगा। अब ये मैसेज पहुंच गया, ब्रेन ने उस मैटर को समझ लिया कि भाई आपके आँखों के यानी आपके आई के सामने जो है डस्ट आई हुई है और आपको जो है देखने में प्रॉब्लम हो रही है, अब आपको वहाँ पर आई के थ्रू कुछ ना कुछ मूवमेंट करवानी है, तो मूवमेंट करवाने के लिए मैसेज ब्रेन से वापस उस आय वाले ऑर्गन तक जाना चाहिए, तो वो कौन लेकर जाएगा, इफ्रंट नर्व लेकर जाएगी। वो क्या करेगी, उस ब्रेन ने जो भी रिएक्शन दिया
यानी वो जो भी सॉल्यूशन उसका बताया कि भाई आँखें आँख के सामने जो है डस्ट आ गई है, अब उसका क्या किया जाए, तो वो डस्ट वाला जो पार्ट है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आपके ब्रेन ने उस मैटर को जल्दी से समझा और समझने के बाद एक रिप्लाई दिया, तो वो रिप्लाई एक मैसेज बन के जाता है। और कौन सी नर्व ले जाती है उसको, इफ्रंट नर्व ले जाती है। कहाँ से ले जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी ब्रेन के पास से। कहाँ ले जाती है, उस टिश्यू या उस ऑर्गन तक, यानी आई के उस टिश्यू और ऑर्गन तक। तो आपको रिप्लाई क्या दिया ब्रेन ने कि आपकी जो आई लीड है, यानी आपकी जो पलके है, वो आपने बंद कर लेना चाहिए। तो वैसे ही फ़ौरन आप आपकी आई लीड और आपकी जो आँखें हैं वो बंद कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि वो डस्ट से आप बच जाए और बड़ा हादसा होने से बच जाए। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, सेंसरी नर्व मैसेज ऑर्गन से या टिश्यू से ब्रेन को ले जाती है, जो इफ्रंट आर वन अफ्रंट नर्व्स करके देती है, और दूसरा इफ्रंट नर्व जो है ब्रेन से जो रिप्लाई आने वाला है उस ऑर्गन तक, उस रिप्लाई को ले जाता है मोटर यानी मूवमेंट करवाने के लिए ले जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके समझ में आया है कि आपका ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कैसे बॉडी से जुड़ा हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट, पीएनएस जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो एक्चुअली दो उसकी टाइप होती है, जिसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, उसको मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।